आप सबको मेरा बहुत ही बड़ा और बहुत कड़क जय भीम। जय भीम। साथियों, मैं आपको बहुत हर्ष हो रहा है आपके साथ शेयर करते हुए इस बात को कि आज ही मैं जयपुर से आई और केवल इस रन को अटेंड करने के लिए आई। वहां पर जयपुर में बहुजन राजनीति को सशक्त करने के लिए पिछले 3-4 दिन से गांव-गांव में मैं घूम रही थी और जब मैंने देखा कि यहां पर एक ऐसी हवा बन रही है कि इस देश के हुक्मरान लोग जो कि बहुत ही साजिशन हुक्मरान बने हुए हैं, वह हमारे लोगों को, इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूलवासियों को बरगला के अयोध्या की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उसी वक्त मुझे लगा कि जहां भी और हम लोग जैसे तैसे भी इस देश में अगर मंदिर और मनुस्मृति का अगर बात होती है तो उसी वक्त बाबा साहब और संविधान और महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की बात होगी और हम वहां पर रहेंगे, हमारी ताकत वहां पर रहेगी। तो संविधान जहां होगा हम वहां रहेंगे और हम जहां हैं वहां संविधान का सम्मान होगा। इस देश के शासक जो कि साजिशन शासक बने हुए हैं, ब्रिटिशों से उन्होंने जब सत्ता हस्तांतरित की, आजादी नहीं मिली, आजादी मिलना बाकी है, आजादी नहीं मिली, उनके साजिशन तरीके से अंग्रेज हुक्मरानों के तरफ से उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में ले ली, लेकिन एक मंसूबा उनका गलत पड़ गया। संविधान उनकी साजिश में नहीं था, संविधान उनका मंसूबा नहीं था, संविधान उनके प्लानिंग में नहीं था, ये जबरन उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। अंग्रेजों ने ये उनके ऊपर कंडीशन डाली थी, लेकिन यही वो संविधान है जो पूरी दुनिया में महान माना जाता है। पूरे दुनिया का बौद्धिक धन और भौतिक धन दोनों इस संविधान में लगे हुए हैं और इसीलिए जो जिस ताकत के साथ संविधान बना हुआ है, इसमें महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ बौद्धों के लिए ही नहीं, सिर्फ एससी लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ एसटी लोगों के लिए नहीं, तो उस पूरे समूचे मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, ओबीसीओं के लिए, सभी के लिए इसमें प्रावधान है, सभी को हक और हकूक मिल रहे हैं। लेकिन इस देश के हुक्मरान उच्च वर्णीय लोग, इस देश के हुक्मरान विदेशी ब्राह्मण लोग वह नहीं चाहते, वह चाहते कि उन्हीं के पास सत्ता रहे और आजीवन काल तक, सनातन काल तक रहे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम यहाँ पर अपने आप के लिए वो संकल्प लेने आए हैं। आप इस चीज को, इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इतना कह के मैं यहाँ आपसे रजा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।